भाषण करने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित है बहन हेमलता। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी की आशा कर्मी की जो अपनी प्रदेश यूनियन है उसकी प्रदेश की महामंत्री हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ यहाँ मंच पर आए अपना भाषण करें। देश के कोने कोने से आई हुई हमारी बहने आशा कर्मचारी बहने आंगनबाड़ी कर्मचारी बहने हमारी सारी बहने हर एक विभाग की बहने तमाम भाइयों, मैं आप सबको सबसे पहले नमस्ते करती हूँ। बहन मैं आशा कर्मचारी संघ की महामंत्री हूँ। हम लोगों की समस्या तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं थोड़े में अपनी बात को रखती हूँ ताकि और भाई को बोलने के लिए मौका दिया जाए। पहले तो मैं सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि हमारी बातों को भारत सरकार के पास पहुँचाने के लिए हमको ये मंच मिला है। हम लोग इतने परेशान हैं, अब हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं हमारी बहनें किशोरावस्था से लेकर उनकी शादी होती है, शादी के बाद माँ गर्भवती होती है, गर्भवती के बाद बच्चा पैदा होता है, माँ का भरण पोषण बच्चे का भरण पोषण टीकाकरण पूरा देख रेख हम आशा बहनें दिन रात एक करके करते हैं। अपने बच्चे रोते हैं, दूसरों के बच्चे सहते हैं, हमारा ये काम है लेकिन इस सरकार को दिखाई नहीं देता है कि हमारा भरण पोषण हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, 120 दिन का समय ली थी कि आशा बहुओं का हम ये करेंगे वो करेंगे, वो 120 दिन कहाँ गया। अगर हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं तो हम पूरे देश की आशा बहनों को एक करके इस मोदी सरकार को हम गद्दी से हटाएंगे। इस मंच से हम चैलेंज कर रहे हैं, अपने भारतीय मजदूर संघ के भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, हमारी मांग को पूरी करवाएं। हम बहनों का पूरा विश्वास है आपके साथ जुड़कर हम हद तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बहनें बहुत त्रस्त हैं, उनको एक पैसा भी नहीं मिलता है और विभाग के कर्मचारी बहनों को तो मिलता है। हमारी आशा को आशा संगनी बहनों को कुछ भी नहीं मिलता है, 24 घंटे वो तत्पर रहती हैं अपने काम के लिए। जब भी फोन आ जाता है कि गांव में गर्भवती महिला का पेट दर्द होने लगा, वो खाना बना रही हैं अपने बच्चे को नहीं खिलाई हैं, फिर भी बहनें दूसरों के लिए चली जाती हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा जो कि इस महंगाई में वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं, अपने परिवार को चला रही हैं, पूरा समय तो अपने काम में लगा रही हैं लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। हम यही कहना चाहेंगे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी से, अपने कर्मचारियों से कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए, अन्यथा हम सारी बहनें एक होकर सारा काम बंद करेंगे जिससे कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो आशा के काम करने से बंद हुआ है फिर से वही हाल हो जाएगा पूरे देश में, पूरा देश फिर से तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। जबकि मनुष्य का जीवन जो पैदा होती है, माँ जो पैदा करती है बच्चे का पूरा टीकाकरण वो करवाती है, बच्चे को जीवित रखती है, घर घर जाकर विजिट करती है, माँ का देखभाल करती है, बच्चे का देखभाल करती है, तभी तो ये पूरा दुनिया चल रहा है। जो आशा बने पूरी दुनिया को चला रही है, माँ बच्चे का सेवा कर रही है, उनका कोई नहीं देख रहा है। हम आशा बहनों से यही निवेदन करेंगे जो हमारी देश से आई हुई है आशा बहनें अपने अपने प्रदेश में अपना संगठन मजबूत बनाइए ताकि हम भी हड़ताल करें, काम बंद करें, तब सरकार को दिखाई देगा कि हमारे काम बंद करने से उनका कितना नुकसानी हो रहा है। हम बार बार निवेदन करेंगे अपनी आशा बहनों से, आप लोग यहाँ से जाइए, सारी बहनों को एक करिए ताकि हम लोग अपना काम बंद करें और हमारी संगनी बहनें जो पूरे देश में आशा सहयोगी के नाम से नियुक्त की गई हैं, 25 आशा पर एक संगनी बहनें काम कर रही हैं, कहीं कहीं तो 2000 मिलता है, कहीं 4000 मिलता है। बताइए वो महीना भर भ्रमण करती है, हर आशा को जाकर समझाती है, उनका देख रेख करती है, रजिस्टर का पूरा सहयोग करती है, उनका 2000 में 4000 में क्या भरण पोषण हो पाएगा पूरे परिवार का। संगनी बहनों से भी कहेंगे
आप लोग अपने अपने 20-20, 25-25 आशा को एक करिए, एक महासंघ बनाइए ताकि हमारी बात मोदी सरकार तक पहुंचे। हम हड़ताल करें, काम बंद करें, तब हमारी मांग पूरी होगी। देखिए, बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब हम नहीं, जब तक हड़ताल करेंगे, जब तक अपना मांग नहीं मांगेंगे, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग अपने यहाँ कितना भी हल्ला करेंगे, लेकिन जब तक सरकार को हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। बहनों, हम बार बार निवेदन करेंगे, आप लोग अपने यहाँ जाइए, महासंघ बनाइए, तब हमारी मांग पूरी होगी। अन्यथा हमारी मांगे नहीं पूरी हो पाएगी। हमें एक बड़ा प्लेटफार्म मिला है भारतीय मजदूर संघ का, इतना बड़ा ट्रेड यूनियन है कि हमें हद तक लड़के हमारी मांग को पूरी करवाएगा। कम से कम हमें 18,000 मानदेय के रूप में दिया जाए, संगनी वालों को कम से कम 25,000 रुपया दिया जाए मानदेय के रूप में। इससे कम देने पर खर्चा नहीं चल पाएगा परिवार का भरण पोषण। यहाँ तक कि मजदूरों का भी 365 रुपया मजदूरी हो गया है, यहाँ 1 रुपया भी नहीं तय हुआ है। हम बार बार अपने भाइयों से यही निवेदन करेंगे, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी से, कि हमारी आशा बहने त्रस्त हो चुकी हैं, आपका हाथ पकड़ी है, आप उनको उनकी हक का अधिकार दिलाइए। हम अपना अधिकार मांगते हैं और किसी से भीख नहीं मांगते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और फिर से धन्यवाद करती हूँ भारतीय मजदूर संघ को, बार बार धन्यवाद करती हूँ। हमें इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला है। बहनों, आप लोग अपने यहाँ जाइए और महासंघ बनाइए ताकि हमारी मांगे पूरी हो पाए। जय भारत, जय हिंद।